बच्चों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में जिसमें बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो ऑलरेडी मैंने आपको शॉर्ट वीडियो के माध्यम से मैंने बता ही दिया, आपको टेलीग्राम पे भी अपडेट कर दिया। और जो फाइनली रिजल्ट आ गया है उसका चेक कैसे करना, मतलब कि रिजल्ट को चेक कैसे करना, इसमें भी बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम आ रहा है। कट ऑफ कितना गया है वो हम डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि कट ऑफ का लेके बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम आ रहा है। किसी का कट ऑफ रिजल्ट से ज़्यादा है, मतलब कि कट ऑफ से ज़्यादा रिजल्ट मतलब नंबर आया है फिर भी रिजल्ट नहीं हो, तो उसको लेके भी यहाँ पे क्लियर करने वाले हैं। रजिस्ट्रेशन हैज़ बिन क्लोज आपको दिखाई दे रहा है, तो इसका प्रॉब्लम भी मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करने वाला हूँ। तो यहाँ पे इस वीडियो में कई सारे टॉपिक पे ये आपका डाउट जो है वो क्लियर होने वाला है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, अदरवाइज आपका डाउट बना रहेगा। और कमेंट सेक्शन में और आप हमें मैसेज करते रहिएगा कि ये प्रॉब्लम आ रहा है, ये प्रॉब्लम आ रहा है। तो एक ही वीडियो, ये सारा सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो वीडियो को फटाफट कर दीजिए लाइक, चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए। टेलीग्राम से जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ताकि जो भी अपडेट इन्फॉर्मेशन है छोटा बड़ा सबसे पहले आप तक पहुंचा दिया जाए। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, लेके चलते हैं आपके ऑफिशियल वेबसाइट पे कोस्ट गार्ड के। यहाँ पे आप देख सकते हैं दो यहाँ पे इंटरफेस, जैसे ही आप इंडियन कोस्ट गार्ड का जो ऑफिशियल वेबसाइट है सर्च कीजिएगा, ज्वाइन इंडियन कोस्ट गार्ड डॉट सीडेक डॉट इन, यहाँ पे दो इंटरफेस से होगा। बहुत सारे बच्चों का प्रॉब्लम ये भी आ रहा होगा कि बहुत सारे बच्चे यहाँ पे क्लिक करें, तो यहाँ पे क्लिक नहीं करना है, यहाँ पे क्लिक करना है ICG ये पर्सनल वाले पे। राइट, तो इस पर जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा, जस्ट वेट, कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे द रिजल्ट ऑफ CGEPT 2024 स्टेज वन हैज़ बिन डिक्लेयर, काइंडली लॉग इन योर ID टू चेक योर रिजल्ट। यहाँ से भी आप क्लिक कर सकते हैं और चेक कर पाएंगे। और दूसरा बात है कि यहाँ पे आपको क्लिक नहीं करना है, 2024 पे क्लिक करना है। राइट, यहाँ से भी चेक कर सकते हैं और वहाँ से भी चेक कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। और स्क्रॉल डाउन करके आप नीचे आइएगा, तो यहाँ से भी आप रिजल्ट चेक कर सकते हैं यहाँ पे ये वाले पोर्शन पे। राइट, तो इस पर आपको क्लिक कर लेना है, तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने दिखाई देगा, जैसे कि ये दिखाई दे रहा है 2024 वाला, यहाँ पर देख लीजिएगा। ईमेल ID, पासवर्ड और कैप्चा यहाँ पर फिल कर लीजिए, और फिल करने के बाद यहाँ पे आपको लॉगिन कर देना है। तो चलिए मैं यहाँ पे आपको फिल कर देता हूँ और लॉगिन पे क्लिक कर लेता हूँ। जैसे ही क्लिक, आप देख सकते हैं CGT 2024 का जो 2024 का यहाँ पे रिजल्ट है फाइनली। यहाँ पे कैंडिडेट नेम है, रजिस्ट्रेशन नंबर है, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके हम आपको दिखा देते हैं। उन्होंने OBC से अप्लाई किया था और ये शॉर्ट लिस्टेड है, यहाँ पर आप देख सकते हैं फाइनली इनका हो गया है स्टेज टू के लिए शॉर्ट लिस्टेड है। जैसे कुछ बच्चों का प्रॉब्लम और भी आ रहा है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ, ये भी बच्चा शॉर्ट लिस्टेड है। यहाँ पे देख सकते हो OBC नॉन क्रीमिलियर नॉइज GD का पोस्ट है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं क्योंकि GD का ही वैकेंसी ही था। चलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ, जिस बच्चे का भी रिजल्ट हो गया है फाइनली स्टेज टू के लिए, आप शॉर्ट लिस्टेड हो गए हैं, तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको तो यहाँ पे एक शॉर्ट लिस्टेड दिखाई दे रहा होगा। नीचे कॉन्ग्रेचुलेशन यू आर शॉर्ट लिस्टेड फॉर स्टेज टू यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे नीचे देखिएगा तो आपको एक चीज़ और दिखाई दे रहा होगा, प्लीज़ अपलोड एडिशनल डॉक्यूमेंट बाई 1 जून 2024 यहाँ पे 5 बजे तक, फेलियर विच यू विल नॉट बी एबल टू डाउनलोड प्रोविजनल एडमिट कार्ड ऑफ स्टेज टू। अगर आप डॉक्यूमेंट 1 जून 2024 तक अपलोड नहीं करेंगे तो आपका स्टेज टू का जो एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड नहीं होगा। एट दिस स्टेज यू आर डायरेक्टेड टू अपलोड डॉक्यूमेंट फॉर स्टेज टू एंड यू विल नॉट बी एबल टू एडिट द डिटेल सबमिटेड एट स्टेज वन। स्टेज वन में जो भी आपने एडिट मतलब कि आपने सबमिट किया है उसमें कोई भी आप इंटरफेस मतलब कोई भी चेंज वगैरह नहीं कर सकते। नोट 3 में दे रखा है नॉन अपलोडिंग ऑफ करेक्ट एडिशनल डॉक्यूमेंट 1 जून 2024 ये 5 बजे तक विल लीड टू कैंसलेशन ऑफ कैंडिडेचर। अगर आप एडिशनल डॉक्यूमेंट करेक्ट डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करते हैं तो आपको दिक्कत होगा, कैंडिडेट आपका कैंसिल कर दिया। लास्ट डेट टाइम ऑफ एडिटिंग 1 जून 2024 ही रखा गया है। कैंडिडेट आर अलाउड टू एडिट करेक्ट एनी डिस्क्रिप्शन इन देयर एप्लीकेशन इंक्लूडिंग अपलोडिंग और डॉक्यूमेंट टिल 1 जून 2024। उसमें आप 1 जून तक ही कुछ भी छेड़छाड़ कर सकते हैं, बाकी उसके बाद कुछ नहीं कर सकते। 5वां दे रखा है द कैंडिडेट हैज़ टू डाउनलोड एडमिट कार्ड अगैन ऑन अपलोडिंग और एडिटिंग डिटेल ऑन इच ओकेजन पॉजिटिवली, हाउएवर द लास्ट फिल अप्लीकेशन विल द कैंडिडेट विल एक्सेप्टेड एंड विल बी यूज फॉर फर्दर वेरिफिकेशन बाय SEG। जो भी आपने अपलोड वगैरह किया है वो चीज़ एप्लीकेशन यहाँ पे आप प्रिव्यू कर सकते हैं। अपलोड डॉक्यूमेंट फॉर स्टेज टू यहाँ पे आपको क्लिक करके जो भी चीज़ मांगा जा रहा है वो आपको अपलोड कर देना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये स्टेज टू का इनका रिजल्ट हो गया है फाइनली स्टेज टू। अब बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे जैसे ही आप लॉग इन कर रहे होंगे तो कुछ सारे बच्चों को क्या होगा, रजिस्ट्रेशन हैज़ बिन क्लोज बता रहा होगा। राइट, क्या बता रहा होगा, रजिस्ट्रेशन हैज़ बिन क्लोज बता रहा होगा। ओके, ये तो ये जिसका प्रॉब्लम आ रहा है ना, रजिस्ट्रेशन हैज़ बिन क्लोज, तो वो क्या करे, सीधा सीधा आपको कुछ नहीं करना है, फॉरगेट पे आपको क्लिक कर लेना है। फॉरगेट
पे आपको क्लिक कर लेना है, फॉरगेट कर लेना है आपने, और नया पासवर्ड जनरेट करके पासवर्ड बना के और फिर से आपको लॉगिन करना है। ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा, उसके बाद आपको कोई भी दिक्कत इसमें नहीं बनने वाला है। पहला रिजल्ट को लेकर मैंने बता दिया, दूसरा मैंने बता दिया जो बच्चे शॉर्ट लिस्टेड है उनके लिए। अब चले हम बात कर लेते हैं कटअप के रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन। और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिसका रिजल्ट कटअप से ज़्यादा है, फिर भी मतलब कि कटअप से ज़्यादा उनका नंबर है फिर भी रिजल्ट नहीं हुआ है, शॉर्ट लिस्टेड नहीं हुआ, तो उन पर भी थोड़ा सा चर्चा हम कर लेते हैं। बाकी वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास। आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं विश्वनंदन कुमार रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, नाइक जिली नॉट शॉर्ट लिस्टेड फॉर स्टेज टू, यहाँ पे साफ साफ लिख दिया गया है। और स्टेज वन यहाँ पे देखिएगा, पास इन स्टेज वन लिखा है बट नॉट शॉर्ट लिस्टेड फॉर स्टेज टू, यहाँ पे देख सकते हैं ये इतना नंबर गया है, ये इतना नंबर इनका नंबर आया है, और फाइनली 110 में से 65 इतना आया है, 65 नंबर इतना आया है। चलिए ये है ओबीसी से हैं, ओबीसी से नाविक जीडी पोस्ट ही आपको पता होगा, ओबीसी से हैं, ओबीसी से गया है कितना कट ऑफ 65 नंबर यहाँ पे कट ऑफ गया है, लेकिन इनका नंबर इससे ज़्यादा है, फिर भी कट ऑफ ये स्टेज टू के लिए क्यों नहीं सेलेक्टेड हुए हैं उसको लेके भी बहुत सारे बच्चे क्लियर डाउट में हैं, तो मैं क्लियर करने वाला हूँ। ओके, एक तो ये आप समझ लिए, तो ओबीसी का कट ऑफ कितना चला गया भैया, ओबीसी का कट ऑफ गया है 65 नंबर, ये आप नोट कर लीजिएगा। ओके, 65 नंबर ओबीसी का कट ऑफ गया है। ओके, बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि क्या वो ये जो कट ऑफ बनाया गया है स्टेट वाइज एज बनाया, नहीं स्टेट वाइज कट ऑफ नहीं बनाया गया है, ये देख सकते हैं ओबीसी लिखा है, अगर स्टेट वाइज बनाया जाता तो यहाँ पे ओबीसी का कोई मोल मतलब ही नहीं रहता, राइट। स्टेट वाइज कट ऑफ नहीं गया है, ये गया है कैटेगरी वाइज कट ऑफ जैसे पहले आपका जाता था, राइट, कैटेगरी वाइज ही कट ऑफ गया है, ओबीसी का अलग, एससी का अलग, एसटी का अलग, ओके, जनरल का अलग, इस तरीके से आपका कट ऑफ तैयार किया गया है। ओके, तो ये इसमें भरम में ना रहे कि आपका स्टेट वाइज कट ऑफ गया है। ओके, चलिए दूसरी बात बात कर लेते हैं, ये मैंने आपको वीडियो दिखाया था तो इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये बच्चा नायक जीडी के पोस्ट है, जनरल से इसने अप्लाई किया है, और जनरल से अप्लाई किया है तो 57 नंबर कट ऑफ जाने का तो कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि ओबीसी का ही यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि 65 पे कट ऑफ गया है। ओके, ये ओबीसी का 65 यहाँ पे दिखा रहा था, लड़के का था 65.50 समथिंग था, फिर भी रिजल्ट नहीं हुआ है, यहाँ पे 57 यहाँ पे कट ऑफ दिखाई दे रहा है नायक जीडी, वो भी जनरल का, और यहाँ पे 57 समथिंग गया है कट ऑफ, मतलब क्या हुआ है कि भैया अभी रिजल्ट आप चेक कर रहे हैं, ठीक है रिजल्ट जिसका भी आया है इसमें प्रॉब्लम आ रहा है, क्या प्रॉब्लम आ रहा है कि रिजल्ट जो कट ऑफ डिक्लेयर किया गया ना वो साफ क्लियर नहीं किया गया है कि रिजल्ट का कट ऑफ हमारा एग्जैक्ट है क्या, क्योंकि किसी में कुछ दिखाई दे रहा है, मान लीजिए ओबीसी का कट ऑफ 65 है, रिजल्ट बच्चे का आया 65.50 समथिंग आया है तो रिजल्ट नहीं हुआ है, यहाँ पे जनरल का कट ऑफ आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं भैया 57 है, अगर ओबीसी का 65 है तो जनरल का 57, इससे साफ साफ क्लियर हो जा रहा है। और ये आप देख सकते हैं 2024 का ही है, इसमें कोई भी ये नहीं है कि दूसरे बैच का है ऐसा कुछ मैं बता रहा हूँ, चाहिए आपका किस चीज़ का, आप बहुत सारे बच्चे ये देख सकते हैं नायक जीडी का ही है। ओके, तो ये नायक जीडी का ही 57 नंबर कट ऑफ, फिर यहाँ पे ओबीसी का 65, जनरल का 57, ऐसा पॉसिबल है क्या, पॉसिबल नहीं है ना, तो ये कट ऑफ ना 65 गया है ना 57 गया है, मतलब ये ज़्यादा कट ऑफ गया है, जनरल का तो 65 से ज़्यादा होना चाहिए ना, एग्जैक्ट वैल्यू देखें तो 65 से ज़्यादा ही कट ऑफ जाना चाहिए जनरल का, तो अभी मैं आपको कहूँगा कि आप रिजल्ट चेक कर रहे हैं ठीक है कर लीजिए, जिसका हो जा रहा है ठीक है, जिसका नहीं हो रहा है तो आप समझ लीजिए आपका नहीं हुआ है, आप एक बार शाम तक फिर से चेक कर लीजिएगा। बाकी मैं आपको कोस्ट गार्ड के जो वो है हेड ऑफिस, मैं वहाँ पे बात कर रहा हूँ, ओके, तो वहाँ से ले रहा हूँ मैं कि ये जो रिजल्ट तैयार किया गया है उसका एग्जैक्ट कट ऑफ बताया जाए, मतलब कि जो डिटेल अभी आया है ना वो उल्टा पुल्टा आया है रिजल्ट, मैं अगर एग्जैक्ट बात कहूँ एक शब्द में तो रिजल्ट डिक्लेयर किया गया है बहुत दबाव में, और ये उल्टा पुल्टा रिजल्ट डिक्लेयर किया गया है, सीधा सीधा यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जीडी जनरल का कट ऑफ भैया 57, अभी आप वीडियो चला देता हूँ आप देख लीजिएगा, जनरल का 57 कट ऑफ पॉसिबल ही नहीं है, और ओबीसी का मैंने ये आप देख सकते हैं ये कितना 57 और ये कट ऑफ दिखाई दे रहा है 57, अब ये बताइए आप कहाँ से पॉसिबल है, पॉसिबल है नहीं पॉसिबल है ना, और अभी मैंने आपको एक ओबीसी का बताया था 65 गया, उसमें 65 कुछ समथिंग उसके बच्चे का आया था, तो ये पॉसिबल, तो इसका मतलब ये ओबीसी का कट ऑफ 65 से ज़्यादा गया है तभी ये आपका रिजल्ट नहीं हुआ है, और यहाँ पे जनरल का कट ऑफ गया है 65 से भी ज़्यादा तभी यहाँ पे कट ऑफ रिजल्ट नहीं हुआ, ये गलती से ये गलत जो आया है रिजल्ट, ये थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा, हो सकता है एरर आ रहा है कुछ प्रॉब्लम आया वेबसाइट वगैरह पे, तो इसके लिए आपके लिए थोड़ा सा वेट करना है शाम तक, बाकी मैं इसको लेके क्लियर कर दूंगा आपको शाम तक, आपको कभी परेशान नहीं होना, तो कट ऑफ के रिगार्डिंग अभी एग्जैक्ट कोई भी बताएगा तो वो गलत ही बता रहा है, आप समझिएगा कोई भी बताएगा तो आप परेशान नहीं हो, कट ऑफ को लेकर शाम तक मैं क्लियर कर दूंगा, बाकी मैं अभी कॉल कर रहा हूँ
तो वहाँ से जानकारी लेके आपको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। बाकी इन्फॉर्मेशन कैसा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए, टेलीग्राम से जरूर ऐड हो जाइएगा। चलिए मिलते हैं एक डेवडम, तब तक बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।